यह है कि ये दो दिन का इकोनॉमिक कॉन्क्लेव हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया इंडिया थिंक काउंसिल और ईडीआईआई के संयुक्त तत्वाधान में, पूरी टीम ने, सौरभ पांडे जी और उनके पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके जिस तरह के वक्ताओं को, जिस तरह के पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर एकत्रित किया है, वो एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और मैं ये भी, कल पूरा दिन ये सेशन चला, आज भी चलेगा, इसका नवनीत निकल के आएगा, कुछ बातें जरूर अवश्य इस पूरी थीम के बारे में कहना चाहता हूँ। वो यह है कि हम लोगों ने देखा, हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, नॉलेज इज पावर सब जगह कहते हैं। भारत में नॉलेज का बहुत बड़ा रिसोर्स है, सेंटर है, बट आर वी एक्सपीरियंसिंग दैट पावर? ग्लोबल लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। देर इज अ मिसिंग लिंक, और मुझे लगता है कि वो मिसिंग लिंक जो है वह है इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट चलता था, नॉलेज को हम कल्चर से इक्वेट करते हैं, बट नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करने के लिए जो मिसिंग लिंक था वो इकोनॉमिक फोकस हमारे देश में कहीं ना कहीं बीच के समय में छूट गया। 1000 साल का या गुलामी का जो हिस्सा था उसमें वो नॉलेज और का जो पावर के बीच का इकोनॉमी का लिंक है वो छूट गया। जब हमारा देश पूरे में विश्व गुरु के स्थान पे था तो ग्लोबली 26% हम वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करते थे, और उस प्रॉस्पेरिटी के कारण आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, रिलीजन, लैंग्वेजेस, वी हैड एवरीथिंग। बट कहीं ना कहीं जो हमने जो अपनी स्थिति को छोड़ दिया, वो मुझे लगता है कि वह जो इकोनॉमी वाला जो लिंक था वो फोकस छूट गया। और मुझे लगता है इस कॉन्क्लेव का बहुत बड़ा लक्ष्य ये था कि कल्चर इकोनॉमी, इसके लिंक को एस्टेब्लिश करके जो हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहते हैं कि 2047 में जब भारत 100 वर्ष अपनी स्वतंत्रता के पूरा करे तो विश्व गुरु के स्थान पे स्थापित हो। और उस विश्व गुरु के स्थान पे मैं यह भी बात, बहुत कई जगह हम जाते हैं विश्व में, कई जगह पे देखते हैं कि आज पूरे विश्व में इकोनॉमिक सुपर पावर बने बगैर कोई भी कंट्री ग्लोबल सुपर पावर नहीं बन सकता। और कल एक थोड़ा सा यहाँ पे इस रिपोर्ट में यह चर्चा भी आई थी, यूनेस्को की रिपोर्ट में, यूनेस्को की रिपोर्ट को उद्धृत भी किया गया था, उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया कि आने वाले समय में कल्चरल क्रिएटिविटी इंडस्ट्री ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक कैटलाइज करने वाला पावर बनने वाला है, और उसके लिए भारत बहुत अच्छे, मुझे लगता है भारत बहुत अच्छे तरह से सक्षम है। जितने वक्ताओं ने यह सब बात कही उसमें उन्होंने एक एस्टिमेट किया जो मैं यहाँ अंडरलाइन करना चाहता हूँ, दैट इज देव सेड दैट इन ईयर US दिस कल्चरल क्रिएटिविटी इंडस्ट्री इज क्रिएटिंग ग्लोबली $2,250 billion ऑफ इकोनॉमी एवरी ईयर, 30 million जॉब्स क्रिएट कर रहा है, इट एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29, एंड इन सम कंट्रीज दिस इंडस्ट्री इज कंट्रीब्यूटिंग टू 10% ऑफ द GDP। तो इतना बड़ा इसका पोटेंशियल ग्लोबली इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। भारत में विरासत और संस्कृति बहुत अच्छी है, उस अर्थव्यवस्था में उसके महत्व को अगर हम रिकॉग्नाइज करेंगे तो वह बहुत अच्छी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और यही इस पूरे कॉन्क्लेव का लक्ष्य भी है, क्योंकि जब भी कोई नव विचार मंथन होता है, कॉन्क्लेव होता है, नवनीत होता है, हम लोग इकोनॉमिक जो चीज़ें, तो उसका कंक्लूजन जरूर कोई आउटकम होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए जिसके ऊपर हमने क्यों ये कॉन्क्लेव किया, क्या हम इससे चाहते हैं, और क्या इससे भारत के लिए भारत के वैश्विक पटल पे उभरने के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो मुझे लगता है इस बात को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं। भारत की विरासत के बारे में लोगों ने बहुत किया, कहा नृत्य कला है, मूर्ति कला है, पर्व है, त्यौहार है, संगीत है, भाषा है, आर्किटेक्चर है, टेम्पल्स है, मॉन्यूमेंट है, जितनी चीज़ें आप देखोगे भारत में नॉलेज और कल्चर के लेवल पे है, बड़े बड़े उत्सव हैं, उन सबको
पुराने हमारे ऋषियों ने इस बात को ध्यान में रखा था, उनके ध्यान में था। जो शंकराचार्य जी को भी हम देखें तो उन्होंने चार धाम की यात्रा की, 52 शक्तिपीठ को प्रमोट किया, 12 ज्योतिर्लिंग को प्रमोट किया। तो ये सब था कि ये दीज विल इन एडिशन टू ओनली संस्कृति और विरासत को साथ में रखने के बजाय इट विल ऑल्सो कैटलाइज द इकोनॉमी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह जो पूरा कल्चर इकोनॉमी है वह क्राफ्ट, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, इन सब चीज़ों को भी कैटलाइज करता है। सिनेमा, कल्चर, फेस्टिवल, पेंटिंग, ये सब चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा की। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और एक और बात मैं ये अंडरलाइन करना चाहता हूँ, वह यह है कि अगर भारत में ऋषियों ने कुछ चीज़ों को सोचा, देखा, जाना, तो उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन या सेटअप भी क्रिएट किए। उसमें महत्वपूर्ण था कि आने वाले समय में इवन इकोनॉमिक फील्ड में इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए। HUF एक अपने आप में एक यूनिक बिजनेस मॉडल है जो हमारी संस्कृति के ऋषियों ने ध्यान में रखा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे काम किया। उन चीज़ों को हमने पूरा अंडरलाइन करके आगे बढ़ना चाहिए। आने वाले समय में कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज इकोनॉमी के और आगे बढ़ते जा रहे हैं, वह है वो जो एमर्जिंग एरियाज ऑफ रिसर्च है, उसके ऊपर भी जरूर यहाँ पे चर्चा होगी, काम करेंगे। जैसे ESG कंप्लायंस है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ, ये ग्लोबल ट्रेड को, ये चाहे कार्बन एमिशंस को, ये सारे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल ट्रेड प्लेटफॉर्म्स में चाहे बैरियर के रूप में काम आएंगे या जो भी होंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखें, तो भारत की विरासत को देखें, तो हमारे यहाँ उसमें पूरा नेचुरल रिसोर्सेज के प्रिजर्वेशन की भी बात हुई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की भी बात हुई है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात हुई है, पंचतत्व के बारे में पूरी तरह से बात हुई। तो जो आने वाले एमर्जिंग एरियाज हैं, ESG कंप्लायंस जो कॉरपोरेट सेक्टर में वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, ट्रेड बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं, उसमें भी भारतीय संस्कृति का बहुत व्यापक दृष्टिकोण के साथ काम है। शोषण नहीं, हमें दोहन करना है, पंचतत्व की बात है। तो यह सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। और मुझे यह लगता है कि इस सारे जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और एक बात और लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे परसेप्शन को भी फाइट आउट करना चाहिए। जो मैं, क्योंकि आर्थिक विषयों से जुड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कि देर इज़ अ परसेप्शन ग्लोबली ऑल्सो एंड हमारे अपने देश में भी है कि हमारा जो देश का नॉलेज है, जो नॉलेज है वह स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए आगे बढ़ाता है, उसी को अंडरलाइन करके उसी को आगे करता है। लेकिन जब हम वेदों को देखते हैं, जो फाउंटेन हेड ऑफ ऑल नॉलेज हम कहते हैं, तो वेदों में हर चीज को, मेटलर्जी, आर्किटेक्चर, मिलिट्री साइंस, आयुर्वेद, इन सब चीजों के बारे में बहुत महत्व। और वेदांत एक लास्ट का एक छोटा पोर्शन है जिसमें फिलोसफी को भी, भारत फिलॉसफी के ऊपर भी चर्चा की गई है, देखी गई है, लेकिन वो वही महत्वपूर्ण है। लेकिन हमने मटेरियल साइंसेस, मटेरियल वेलबींग, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, कल्चर और उसको जोड़ के अगर हम अर्थव्यवस्था को साथ में जोड़ के रखेंगे, तो मुझे लगता है कि भारत जो आने वाले समय, ये अमृत काल में जो 75 साल की जो हमारी स्वतंत्रता का जो अभी वर्ष है, और इस 25 साल में आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो वो उस रास्ते पे हम बढ़ेंगे तो यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इस इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, ये कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के द्वारा होगा। और मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम को, जो सौरभ पांडे जी और यहाँ पे EDII की पूरी टीम ने, और जो लोग भी इसमें लगे, उन्होंने यह कार्यक्रम को इतनी मेहनत से सफल किया, और आने वाले इस पूरे दिन में अलग अलग मंथन को हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू। धन्यवाद गोपाल जी। सौरभ जी ने मुझे एक बहुत डिफिकल्ट टास्क दिया है।